हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी मेंस का जनरल स्टडीज वन पेपर शेयर कर रहा हूं। आपको पता होगा कि बीपीएससी अपने पैटर्न में ज़बरदस्त बदलाव लाया है। ये आशा के विपरीत यानी कि क्वेश्चन है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से पैटर्न अचानक चेंज हो जाएगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आप भविष्य में मेंस देना चाहते हैं तो अब थोड़ा सा भी लापरवाही आपको रिजल्ट से आउट कर सकता है दोस्तों। इसलिए यदि आप बीपीएससी सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज़बरदस्त अलर्ट होने की ज़रूरत है, ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है। आप एक बार पैटर्न देख लीजिए, क्योंकि ये रैंडमली जो कोई डेमो नहीं होने के बावजूद ये रैंडमली इस तरह से पेपर आना निश्चित रूप से एक बोनाफाइड स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर सकता है। साधारण स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का कोई भी जुगाड़ अब नहीं रहा है बीपीएससी में। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं जनरल स्टडीज पेपर वन। ये देखिए पहला नंबर का है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पाँच दिया हुआ है और पाँच का पाँच आपको लिखना है दोस्तों। देखिए 8887 नंबर दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1858। उसके बाद ये कितने वर्ड्स में लिखना है इसकी भी कोई यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा बिरसा मुंडा पर लिखना है 8 नंबर का, इंडिगो नील क्या इंडिगो नील विद्रोह पर लिखना है और इसमें भी 7 नंबर। पटना कलम चित्रकला पर लिखना है, इसमें भी आपको 7 नंबर है। बिरसा मुंडा पर 8 नंबर था और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास, ये भी आपको लिखना है और ये 7 नंबर का है। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी है, या इसमें अथवा भी दिया है, चलो इसमें एक ऑप्शन भी है। ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचना तो विश्लेषण कीजिए, यानी कि इसको सीधे करंट से जोड़ दिया है। चलिए अब देखिए ये हो गया, ये 38 नंबर का है। और फिर देखिए 3 नंबर का, ये प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए, जबकि इस तरह का भारत से रिलेटेड नहीं होता था, ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार से आंसर ये क्वेश्चन किया जाता था, ये अब बदल दिया गया है। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए, या समाज और संस्कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। तो खैर इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा जाता था। उसके बाद सेक्शन बी में देखिएगा, ये है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, इसमें भी टिप्पणी लिखना है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड्स जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उसके बाद ये भी अनिवार्य है सब के सब, राष्ट्रीय संघ लोक सेवा नेटवर्क की शांति और सुदृढ़ व्यवस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए, इसमें भी 8 नंबर हैं। तो इस प्रकार देखिएगा बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का रचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये है, अब देखिए भारत में विदेशी हित, क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ G20 शिखर सम्मेलन में, देखिए इसमें एक क्वेश्चन नहीं कई तरह के क्वेश्चन जोड़ा गया है। ये निश्चित रूप से पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव है। अब बोले तो इसमें जरा सा भी आपकी लापरवाही होगी तो आप रिजल्ट से आउट होइएगा दोस्तों। तो ये आप देखिएगा पेपर ये खंड सेक्शन 3 में, ये आपका टेबुलेशन से सवाल पहले नहीं रहता था, ये टेबुलेशन भी इस बार डाल दिया गया है। ये देखिएगा आप टेबुलेशन से है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये पूछा ही जाए, इस तरह का ग्राफ पूछा जाता था। खैर ये अब बनने वाला है, खास नहीं है, ये भी बनने वाला है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पैटर्न में बदलाव आया है ये देखिएगा, पाई डायग्राम से पूछा है, ये भी ठीक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है कि टिप्पणी जो पूछा गया है या किस तरह से क्वेश्चन को सेट किया गया है, ये थोड़ा सा देखने वाला है, लेकिन जरा सा भी लापरवाही आपको रिजल्ट से आउट कर सकता है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।